पेगासस, ये इसराइल ने एक सर्वेलेंस का फोन्स के अंदर घुसकर और उनका डेटा निकाल लेना, इसका उन्होंने एक जो है वो यूं समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम बनाया, एक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उनके पास नंबर है, जिस नंबर में चाहे घुसा देते हैं, चाहे जितनी दूर से बैठकर, और उसके लिए कुछ भी नहीं, बस एंड्रॉयड फ़ोन या आपके पास एप्पल फ़ोन हो जिसमें इंटरनेट चलता है। हमें पसंद नहीं है हमारी निगरानी हो, लेकिन आपकी निगरानी आपकी भी हो रही, उनकी भी हो रही है। एक और सर्वेलेंस का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें कोई बचा ही नहीं जिसकी निगरानी नहीं। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लहू हमदन कसीरन कमा अमर واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله। برادران اکرام, اس ہفتے کی تین خبریں بہت خوفناک ہیں اور خوفناک ہیں, اس کے بہت بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم دو تو ان میں سے ایسے ہیں کہ عام طور سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں, अगर मालूम हो जाए तो कोई परवाह भी नहीं करेंगे और तबाही की तरफ बढ़ते रहेंगे। तीसरी ऐसी कि उसके बारे में कुछ मालूम है, शायद होगा, लेकिन नताइज उसके कितने बुरे हो सकते हैं उसका शायद अभी एहसास नहीं होगा। मैं तीनों बताता हूँ आपको। पहली है पेगासस, नाम कुछ लोगों के कानों में पड़ा होगा, ज़्यादातर कि नहीं मालूम होगा कि आपकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं आपके एंड्रॉयड मोबाइल या आपके आईओएस यानी वो एप्पल वाला जो फ़ोन है उसके ज़रिए, पहले उसमें वायरस आ जाया करता था, पहले कुछ ऐसा भी होता था कि उसके डेटा को चुराने के लिए लोग ऐसी कोई चीज़ भेज देते थे कि आप क्लिक अगर उसे कर दें तो फिर वो आपका डेटा जाना शुरू हो जाएगा। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, आप बचा ही नहीं सकते, कोई कुछ नहीं भेजेगा, आप कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे, जो दिल चाहे कर लीजिए, आपके फ़ोन का सारा डेटा चला जाएगा। चला जाएगा था मतलब सब, जहाँ आपने, और सिर्फ इस पर फ़ोन की कॉल की बात नहीं, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो टेलीग्राम के ऊपर हो, चाहे आपने व्हाट्सएप से कहीं पर बात की हो, कुछ भी नहीं बचेगा, वो सब के अंदर घुस के सब डेटा पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। उस अटैक से बचने का कोई तरीका भी नहीं है, ये उसकी जो तफसीलात खुली है, मतलब ये कि वायरस से बचने की तो कुछ एहतियातें कर ली जाती हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद भी कुछ एहतियातें कर लेंगे, भाई हर मेल को नहीं खोलेंगे, जो चीज़ें जानी पहचानी नहीं हैं उसको क्लिक नहीं करेंगे, इसकी कोई एहतियात भी नहीं कर सकते। इसकी कुछ तफसीलात मैं रखूँगा बात को। जैसे मैंने कहा तीन चीज़ें हैं, दूसरी है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल, माहौलियात सारी हुकूमतों का मिलकर एक बड़ी कमेटी है दुनिया की, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल यानी माहौलियात को दुरुस्त करने के दुनिया के टॉप के एक्सपर्ट्स सब मिलकर शामिल हैं। वो लगातार माहौलियात को या वातावरण को मुख्तलिफ, उसमें जो तब्दीलियां हो रही हैं उसे स्टडी करते हैं। अब नहीं, बहुत अरसे से लगातार खबरें आ रही थी, बरसों से, के बहुत बुरे नतीजे होंगे, लेकिन अब जो लेटेस्ट ये आई है रिपोर्ट, इसमें ख़ास तौर से यहाँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए वार्निंग बहुत ज़बरदस्त है कि बहुत तबाहियाँ आ सकती हैं और तबाहियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये तो लोगों को तफसील में बता दूँ, आम मिजाज ऐसे ही है कि हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं, उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो अब जैसे मोबाइल का आप एंड्रॉयड फ़ोन को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते तो फिर उसकी ये कीमत है। ऐसे ही
इसके लिए जो कुछ करना है उसे नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाए। और ख़ास वार्निंग जो है वो सारे मुल्कों की जो एक्सपर्ट्स की टीम है IPCC की, उन्होंने ख़ास वार्निंग दी है इस हिस्से को हिंदुस्तान को। और तीसरी खबर है, उस पर आप कुछ ज़्यादा चौंकेंगे कि मैं उन्हें उसे ख़तरनाक या खौफनाक क्यों कह दिया। तीसरी है अफ़गानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम, काबुल से थोड़ी दूर रह गए, तकरीबन 500 किलोमीटर। ये उनका बढ़ना आमतौर से सारे मुसलमान खुश हैं पूरी दुनिया में, ज़्यादातर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के इस्लाम पसंद लोग आ रहे हैं यहाँ पर। मैं इस पर ज़रा सा, चूँकि ये बात वाली ज़रा काफ़ी ऐसी हो गई जैसे सेंसिटिव हो मुसलमानों के लिए, बहुत सी चीज़ें मैं ऐसे कहता हूँ जिस पर अपने भी नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होकर चले तो नहीं जाते, लेकिन ये होता है कि ये बात तो अच्छी नहीं की, नतायज आते हैं सामने बात को कि कितने बुरे नतायज हुए। मैं बहुत मिसालें दे सकता हूँ जो कुछ मैंने कहा हुआ था और उसके क्या क्या नतायज निकले और तब लोगों ने पसंद नहीं किया था। देखिए, पहले मैं इसी पर रोशनी डाल दूँ, फिर हम उल्टे चलेंगे। जो सबसे पहले कहा था वो सबसे बाद में, इन दोनों को मैं मुख्तसर रखना चाहता हूँ और ज़्यादा तफसील से इसके ऊपर मैं फिर या कोई स्टेटमेंट दूंगा या किसी और शब्द में कवर दूंगा, बहुत तफसील आती। इस वक्त तो सिर्फ बहुत छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। इस्लाम की असल पहचान रहमत है या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी और ये पहचान और ये शनाख्त इस्लाम की न बचे तो फिर वो इस्लाम नहीं है, और इस्लाम न हो, इस्लाम की मुखालिफ क़ुव्वतें हों, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली क़ुव्वतें होती वो बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं, चाहे वो अनजाने में हो, उनका इरादा नहीं हो, इरादे बहुत नेक हों, बहुत इखलास। इस्लाम की मैंने आपको बताया कि असल आइडेंटिटी और पहचान जो है वो है रहमत, कंपैशन, रहमत। आपके रब के बारे में शुरू में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह जो है उसके लिए सारी हमदे। तीन अल्फाज रब, पैदा करने वाला नहीं कहा यार, पूजा योग्य भी नहीं कहा, वो जो सबकी परवरिश करता है, सबको परवान चढ़ाता है। अर रहमान अर रहीम, और वो रहमान है और रहीम है, ये खास पहचान है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अगर सिफाती नाम से हम उसको आइडेंटिफाई कराना चाहें तो हम कहेंगे रहमान और रहीम है, इसलिए कि उसकी जितनी सिफात हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने गुण हैं, वो सब इसी की तफसील है, रहमान और रहीम के जितने हैं, चाहे वो पैदा करना हो और चाहे वो इस दुनिया से उठा लेना हो, वो सब इसी की तफसील है रहमत की। जब्बार और कहार भी इसी की तफसील है रहमान और रहीम की। उसका जबर है इस कायनात के ऊपर, इस कायनात पर उसका जबर है कि गेहूँ बोने वाला किसान गेहूँ बोता है और उसमें कैक्टस नहीं निकलता, कानून बना दिया है उसके, ये कानून उसका जबर है। मुर्गी के अंडों में से कौवे के बच्चे नहीं निकलते, ये उसका कानून है, वो इस कानून में उसका जबर है। ये जबर नहीं होता तो पागल हो जाते सब, कि मालूम नहीं क्या होगा अगले लम्हे, किस चीज़ से क्या हो जाएगा। हम कानून दरियाफ्त करते हैं और इत्मीनान से उसके मुताबिक अपना काम करके उसका फल खाते हैं। कहार भी उसकी नाम सुनने में लगता है कहर, अल्लाह की कोई सिफत बुरी नहीं है, हो ही नहीं सकती कि बुरी सिफत हो कहर ढाला। वो अगर दुनिया को बर्बाद करने वालों पे वक्तन फ़ौक्तन कहर न ढाए तो बड़े बड़े अजाब आए, तो ये दुनिया कब की ख़त्म हो गई होगी, कब की तबाह हो गई होगी। ये सब रहमत की सिफत है, उसका कहर भी रहमत की वजह से होता है, उसकी ज़बरदस्ती और जबर भी रहमत की वजह से होता है। तो असल में जितनी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने गुण, जितनी सिफात, वो सब रहमत का एक्सटेंशन है। तो उसकी असल पहचान तो हुई रहमत। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम जहानों के लिए रहमत, सब मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ इस जहान के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत। उनके उम्मतियों में अगर रहमत साफ नजर ना आए तो इस्लाम नहीं है। और रहमत की बहुत लिटमस टेस्ट है, खास पहचान है रहमत की, उससे दूसरों को भला होता है, दूसरों को रहमत से फायदा पहुंचता है।
अब दुनिया में जहां जहां भी इस्लाम के नाम पे तशद्दुद हो रहा है, मैं इस पर तो नहीं जाता कि कौन कौन लोग अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं, जिहाद तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी मुकद्दस चीज़ है, फ़र्ज है। जिहाद क्या होता है, उसकी शर्तें क्या हैं, वो तमाम चीज़ें क्या हैं, वो मैंने बहुत से खुतबों में कहा है। ये एक अहम बात है। वो जंगें भी जो होती थी कभी, कम से कम खुलफाए राशिदीन के दौर तक, वहाँ के लोग जहाँ पर जाते थे, जो इलाके फतेह करते थे, वो हुकूमत कायम करने के लिए नहीं करते थे, इस्लाम फैलाने के लिए नहीं करते थे, और वहाँ के लोग दुआएं देते थे कि आप यहाँ आ गए, यानी वो रहमत फैलती थी। जंग तो सिर्फ मैदान जंग में उनसे होती थी जो जिन्होंने वहाँ ज़्यादतियाँ की हुई थी। तो ये ख़ास पहचान है रहमत। लोगों को नफ़ा होना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए। आप कुछ थोड़े से लोग खफा हो जाए, वो तो होंगे, हमेशा होंगे, उनको तकलीफ़ भी होगी, जो एक्सप्लॉयटर्स थे, जो लोगों का शोषण करने वाले थे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग खुश हो जाए, मुसलमान नहीं सारी दुनिया के लोग, अगर रहमत होगी तो उनको नफ़ा पहुँचेगा सबको। ये पहचान है कि सबको उनसे, लोगों आपसे नफ़ा पहुँचता है या नहीं पहुँचता। अगर नहीं पहुँच रहा है, अगर किसी एक ब्रांड का इस्लाम पे शिद्दत हो गई तो हमेशा नुकसान होगा। किसी एक ब्रांड को ये कह दिया ये इस्लाम है, बाहर से सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है इस्लाम नाफिज कर रहे हैं, मैं पिछले तजुर्बात की रोशनी में कह रहा हूँ, अगर उन्होंने अपने आप को बदल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे वक्त बताएगा। बज़ाहिर नहीं मालूम, हमें लगता नहीं कि बदला होगा, सोच में कोई तब्दीली आई। तो उन्होंने अलकायदा को पनाह दी थी, अलकायदा को अमरीका ने खड़ा किया था, इसलिए खड़ा किया था कि मुसलमानों को तबाह किया जाए, वो जब जाते वो चल देते, इसलिए थोड़े दिन छूट दी थी कि इस्लाम सारी दुनिया में बदनाम हो जाए। ISIS किसकी खड़ी की हुई थी, बहुत सबूतों के साथ तो कुछ नहीं आया है, लेकिन जो चीज़ें इशारा करती हैं वही लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं, जिन्होंने खड़ी की, कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है ISIS के पीछे, उनको हथियार और कुव्वत देने वाला, और वो जब जाते ख़त्म कर देते, इतने ताकतवर हैं कि जैसे चींटी मसल, और छोड़ते हैं और कुछ कार्रवाइयाँ कर लें, कुछ जगह बमबारी कर लें, कुछ चीज़ें उड़ा दें, उससे खूब दुनिया में बदनाम कर, उसके बाद फिर कुचल देते, ख़त्म करते, खुद हथियार देके खड़ा करते। उनको पनाह दी गई, उनको आगे बढ़ाया गया। असल में क्या है, रिनाइसेंस शुरू हुआ इस्लाम का। रिनाइसेंस कहते हैं नए सिरे से उभरना, ये डॉर्मेंट स्टेज में चला गया था इस्लाम, दुनिया जानती ही नहीं थी, दूसरे नंबर की अक्सरियत थे, उसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अलावा लोग जानते ही नहीं थे कि इस्लाम नाम का कोई दीन मज़हब भी है, दीन या मज़हब ये भी नहीं जानते थे। ये था 20th century के 20वीं सदी के बीच दरमियान तक, एक भी मुस्लिम आज़ाद स्टेट नहीं थी, एक भी नहीं थी। ये 1950 की दहाई समझ लीजिए, लगभग उसके सेंटर तक 20वीं सदी के, वहाँ से ये रिनाइसेंस यानी उठना शुरू हुए और आगे निकलना शुरू हुआ। ये कौमों की ज़िंदगी के हिसाब से ये अभी बचपन में है। रिनाइसेंस तो है उठना उभरना, ख़त्म नहीं कर सकते, रुक नहीं सकता। कहा इकबाल ने, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, थोड़े दिन डूबेंगे निकलेंगे। तो ये एक एवोल्यूशन है या एक रिनाइसेंस है, नए से निशाते सानिया दोबारा उभरने शुरू। इस दर्जे तक के जब सोवियत यूनियन वापस हुआ, अफगानिस्तान को 10 साल बाद छोड़ा, तो अमेरिका अकेली सुपर पावर हो गया, पहले दो थी, अकेली सुपर पावर हो गया दुनिया में, वो तबाह हो गए, टूट गए, बिखर गए अफगानिस्तान से निकलते ही। ये जो अकेली सुपर पावर होते ही उनकी जो इंटेलिजेंशिया थी, जो उनकी पॉलिसीज़ को चलाती है, खुलकर ऐलान, तहरीरी तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि अब अगला मुकाबला हमारा इस्लाम से है। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, अब असल ताकत, अगर असल मुकाबला हमारा इस्लाम से है। ये बात थी जिसमें उन्होंने टुकड़े टुकड़े तो पहले ही थे, उन टुकड़ों को और मजबूत कर दिया और इस इलाके को मैदान जंग बना दिया टोटल। उससे पहले ही मैदान जंग ऐसा नहीं था, कुछ इसराइल से जो वो भी उन्हीं का रखा हुआ था, और वो भी इसी की बात है, इसी पीरियड की बात है, 1948 में इसराइल बना था। तो ये सारा इलाका बस वहाँ से मैदान जंग बना है, आज तक बना हुआ है। सारी दुनिया में बदनामी होती है, सिर्फ मुसलमान ही मुल्क लड़ते हैं आपस में, ये सारा खेल ऊपर का है, लड़ तो यही रहे, वो अपने यहाँ नहीं लड़ रहे, अपनी सरजमीन पे नहीं लड़ रहे,
अपने हथियार भी दे रहे हैं, इनको बर्बाद भी कर रहे हैं, एक दूसरे से बर्बाद करवा रहे हैं और सारी दुनिया में बदनामी भी दे रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं होता बात करें तो। हम कहें इस्लाम पीस का, शांति का धर्म है, क्या बात कर रहे हैं? सब तरफ तो तबाही है और सब तरफ तो मारधाड़ है, अपनों को मारते अगर दूसरे नहीं मिलते तो, और यही तो चल रहा है सारा। कहते हो तो यही सब कुछ रहा है। बहरहाल ये है रेनाइसेंस में बचपन का दौर, जैसे कोई पैदा होता है एक निशाते सानिया, नए सिरे से कोई बेबी बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होता है शुरू में, इमेच्योर होता है, ये इमेच्योरिटी का दौर है। हल्के हल्के करके मेच्योर होते चले जाएंगे। कौमों की ज़िंदगी में वक्त लगता है बड़ा होने में। इसमें से सब चीज़ों के नुकसान पहुँचे हैं, जितनी भी चीज़ें की हैं कोई भी बगैर नुकसान के नहीं गई। वो फैसले, वो चीज़ें जो इमेच्योरिटी की जो, उनसे हर एक से नुकसान पहुँचा है, किसी एक जगह नहीं पहुँचा। नुकसान किसी एक जगह होता है, उसका असरात सारी दुनिया के मुसलमानों पर पड़ते, सब पर पड़ते चले गए। यही हल्के हल्के करके मेच्योर भी हो जाएंगे, अपनी गलतियों से नुकसान उठा उठा कर ये सीखते चले जाएंगे। काश तालिबान ने कुछ सीखा हो। तो ये जो रहमत की इमेज नहीं अगर बचेगी तो दीन नहीं होगा। दुनिया में जाननी चाहिए एक पिक्चर के, इनसे लोगों को नफ़ा पहुँचता है, अफगानिस्तान के लोगों को नहीं, दूसरे और मुल्कों को भी इनसे नफ़ा पहुँचता है। एक हुकूमत, पिट्ठू हुकूमत जो बड़े मुल्कों की है, अच्छी चीज़ नहीं है। उससे ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि मुस्तकिल इस्लाम को एक झटका लग जाए इस नाम पर के वहाँ से तशद्दुद होने लगे, इस्लाम के मामले में तशद्दुद वहाँ से होने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा था, अला हलकल मुतनत्तियून, अला हलकल मुतनत्तियून, अला हलकल मुतनत्तियून। सुन लो, तबाह हो गए वो लोग, हलाक हो गए जिन्होंने तशद्दुद इख्तियार किया दीन, जिन्होंने दीन में तशद्दुद इख्तियार किया। सुन लो, हलाक हो गए जिन्होंने दीन में तशद्दुद इख्तियार किया, कट्टरवाद, कट्टर। हमसे कहा जाता है, तमाम खबरें आती हैं, तमाम बातों में होता है, डिबेट्स में, कट्टरवादी इस्लाम या उदारवादी इस्लाम। अरे इस्लाम तो एक होता है, इस्लाम क्या दो होते हैं, कट्टरवादी उदारवादी? इस्लाम एक ही है, लेकिन ये जो चेहरा आया है इसने दुनिया में पिछले कुछ दिनों से, और ये उनका बनाया हुआ है, खड़ा भी उनका किया हुआ है, और ये नासमझ लोग हैं जो उसमें शरीक हुए हैं, इनकी मेंटल ट्रेनिंग जो है इस शक्ल में हुई है कि ये जज्बात भड़काकर और चीज़ों को आधी अधूरी काटकर, जैसे यहाँ पर आपके सामने पेश की जाती है ना, बहुत से इस्लाम के मुखालिफ पेश करते हैं कि कुरान देखो मार्केट का दीन है, वो आधी आधी काट कर देते हैं, उसे छाप देते हैं, गैर मुस्लिम सारे पढ़ते हैं, कहते हैं हवालों से लिखी हुई बात तो बिल्कुल सच है, साथ में ये भी दावा करते हैं हमने खुद पढ़ा है कुरान, पढ़ा वो होता है जो छपता है। तो यही काट काट कर उनको सिखाया जाता है, तरबियत दी जाती है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट ऊपर से गवर्न हो रहे हैं। इस लंबे खेल और लंबी सियासत को आमतौर से लोग नहीं समझते, जज्बात में बह जाते हैं। ये मुसलमान हैं, इस्लामी कानून लाएंगे, बड़ी अच्छी बात होगी, इस्लामी कानून लाएंगे, इस्लामी कानून आएगा तो रहमत फैलेगी, इस्लामी कानून आएगा तो खुद वहाँ पर भी सारे लोग खुश होंगे, नफ़ा होगा, दूर तक फैलता चला जाएगा वो नफ़ा। किसी एक मसलक का तशद्दुद होगा तो नुकसान पहुँचेगा। ये एक मसलक का तशद्दुद आपने देखा ना, ये एक मसलक नाफिज कर रहे थे 3 तलाक के मामले में, ये एक मसलक की बात कर रहे थे, एक मसलक को इस्लाम कहकर। दुनिया के 20 मुल्कों में मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें सऊदी अरब भी है, मैं सारे नाम नहीं गिना रहा, इंडोनेशिया मलेशिया भी है, इन सब में ये कानून कभी का बना हुआ था। बाद जगह 1960 की दहाई से कि 3 तलाक जो है वो एक शुमार होगी, 3 तलाक गलत है, गैर कानूनी, यहाँ पर अड़े रहे कि नहीं छूने देंगे, लेकिन कुल मिलाकर उसका नुकसान हुआ। कितनी बड़ी तादाद में औरतें इनसे खफा हो गई, मुसलमानों इनके मुखालिफ हो गई, जो इनके मुखालिफ हो गए जिन्होंने ये किया उनकी हिमायती हो गई, उन्होंने जिस नीयत से भी किया, उन्होंने सियासी नीयत से किया था, काश अच्छी नीयत से किया होता, किया तो ठीक था, लेकिन इस अच्छी नीयत से काश किया होता, उन्होंने सियासत की नीयत से किया, उनको उसका फ़ायदा पहुँचा। तो ये हमेशा ऐसा होता है कि जब किसी एक मसलक को ताकत से नाफिज करके ये कहकर किया जाता है यही इस्लाम है, इसके अलावा तो गर्दन उड़ा देंगे, खाली इतने नहीं कैद में डाल देंगे, बात इस तशद्दुद तक पहुँचे कि जिसने इसके खिलाफ किया उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो ये बहुत भयानक नतीजे पूरी दुनिया में निकलेंगे इसके। मैं इस पर ज़्यादा तफसील से इसके बहुत से पहलू रखूँगा सामने, इसमें इंटरनेशनल साजिश और चीज़ें रखूँगा इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल से बात को, अगर अभी
ज़्यादा समझ में नहीं आई, इसलिए कि जज्बात आमतौर से मुसलमानों के इसके हक में पूरी दुनिया में अपनी उस चीज़ को लोग सही समझते हैं आमतौर से, जो उनके लिए बुरी निकलती कुछ अर्से के बाद। खैर, ये एक इशू था। दूसरा इशू जो मैंने दरमियान में लिया था नंबर दो पर, ये IPCC, जैसे मैंने कहा माहौलियात को कि सारे मुल्कों की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, माहौल को क्लाइमेट को दुरुस्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका निकलना एमिशन यानी खारिज होना, इखराज और फजा में मिल जाना, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी माहौल ऊपर का जो है वो गर्म होता जा रहा है हल्के हल्के करके, वो बहुत ख़तरनाक लेवल पर पहुंच गया है। उससे अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलती है, समंदरों का लेवल ऊपर होता है जैसी पहले पिघल रही थी, बड़े विस्खलन जैसे आप कहते हैं ये लैंडस्लाइड्स, पहाड़ों पे से पिघलती है बर्फ़, फिर साथ में वो डस्ट और पत्थर लेकर ये करती है, लोगों के ऊपर बरसती है, जगह जगह फ्लड आते हैं, साइक्लोन आते हैं और तूफान आते हैं। ये इंटेंसिटी और जगह जगह कहत पड़, इतनी तो बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, उसके बाद कहत के इलाके बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए कि ज़मीन का पानी जो है वाटर लेवल वो डाउन होता चला जाता है, खुश्क होता चला जाता है, कहत वाले एरिया बढ़ते चले जाते हैं। ये यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में हो रहा है, यहाँ पर दूसरों से ज़्यादा हो रहा है। पिछले एक साल में 4 साइक्लोन आए हैं, बड़ी तबाही हुई साहिली इलाकों में, बंगाल में बहुत तबाही हुई, कुछ उड़ीसा के अंदर हुई, मुंबई में, तमिलनाडु में बहुत तबाही हुई, 4 आ चुके साइक्लोन, आगे और ख़बर है कि आएंगे। तो ये खाली साइक्लोन नहीं है, कितने लैंडस्लाइड्स की खबर, एक तो अभी परसों हुआ हिमाचल के अंदर, बहुत से लोग मर गए, अभी कुछ ही दिन पहले उससे फिर हिमाचल में हुआ था, उसमें बहुत लोग मर गए थे। तो ये लैंडस्लाइड्स जो हैं, ये फ्लड्स सैलाब जो हैं, वो ज़मीनों का खुश्क होकर लगातार ड्राई होते चले जाना हो, इससे कहत के इलाके बढ़ जाएंगे। आप ये मत समझिए कि कहत हमारे यहाँ नहीं होगा, वो तो उधर होगा MP के उन इलाकों में और फना फना तमिलनाडु उन जगहों पर होगा। पूरे मुल्क की इकोनॉमी जब जाती है तो सिर्फ पूंजीपति जो है वो तो ठीक रहते हैं, शायद ऐसे दिनों में उनके प्रॉफिट भी और बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी मिडिल क्लास सारी पिस जाती है, इसलिए कि मुल्क तो एक है ना, इकोनॉमी पूरे की ख़राब होती है, मीशत पूरे की ख़राब होती है। ये इन पर ज़्यादा असर इस वजह से है कि दुनिया में तीसरा नंबर है इनका, इसके अंदर कार्बन एमिशन के अंदर, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान है, जहाँ से कार्बन सबसे ज़्यादा फजा में जा रही है। उसकी वजह से ये जो इंडियन ओशन बहर हिंद है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है पहले से, तो फिर अब ये सैलाब साइक्लोन आते चले जाएंगे और बढ़ता चला जाएगा, इसलिए कि टेम्परेचर रुकने की तदबीरें गवर्नमेंट लेवल पर होती हैं और वो उस पर अमल नहीं हो पाता, अमल करना तो बड़ा मुश्किल भी है, बहुत सी इंडस्ट्री रुकनी पड़ेगी, बहुत सी सनत रुकनी पड़ेगी, ये होगा इससे तो तरक्की रुक जाएगी, तरह तरह की चीज़ें होंगी, और हमें लोअर लेवल पे भी कुछ करना होगा। इस पर भी तफसील कभी और रखूँगा। बहुत ख़तरनाक, बहुत ख़तरे में सारे लोग, यहाँ के लोग ज़्यादा, पूरी दुनिया वो कह रहे हैं, वो एक्सपर्ट पैनल जो पूरी दुनिया का, कि नुकसान इतना पहुँच चुका है इररिवर्सिबल, जो अब वापस नहीं होगा, बहुत मामूली सा इम्कान रह गया कि इसे अब हम इसी जगह रोक दें कि इतना ही नुकसान होता रहे, अब वरना इस हालत में पहुंच गया कि नाकाबिले वापसी, इतना नुकसान पहुंच चुका है। अब लोगों की समझ में आसानी से नहीं आती क्या बात है, हम मज़े से जी रहे हैं, कुछ सालों के बाद इतने मज़े से नहीं जिएंगे, टाइट होते चले जाएंगे, दूसरी जगहों पे तो लोग मरेंगे ज़्यादा, अगर आप लोग यहाँ पर जहाँ पहाड़ नहीं है वो ना हो, जहाँ साइक्लोन इतने नहीं आए, साहिली इलाकों में अंदर रहेंगे, लेकिन उन सब की आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगी, लोग गरीब से गरीबतर होंगे, एम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगा, कोविड से हुआ, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये था दूसरा खतरा। मैं इस पर भी कुछ रखूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, इसे कर क्या सकते हैं, जब हुकूमतों का काम है इसे तो करना रोकना, आइंदा कभी रखूँगा, इसलिए कि बिल्कुल वो कहते हैं सर पर है खतरा, अब ऐसा नहीं है कि ये खाली ऐसी बातें, वो दे रहे हैं वार्निंग, अभी कुछ करने ही नहीं हुकूमतें। तीसरी बात जो थी, जो मैंने सबसे पहले रखी थी, पेगासस, ये इसराइल ने एक सर्वेलेंस का फोन्स के अंदर घुसकर और उनका डेटा निकाल लेना, इसका उन्होंने एक जो है वो यूँ समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम बनाया, एक सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उनके पास नंबर है, जिस नंबर में चाहे घुसा देते हैं, चाहे जितनी दूर से बैठकर, और उसके लिए कुछ भी नहीं, बस एंड्रॉयड फ़ोन या आपके पास एप्पल फ़ोन हो जिसमें इंटरनेट चलता है। अब बेसिक फ़ोन तो आपसे कहा जाए सब रख लीजिए, तो आप में से 90% ये कर ही नहीं सकते, शायद 10% लोग कुछ दिन के लिए करेंगे, फिर वापस इस पर आ जाएंगे, काम ही नहीं चलता, इतनी मजबूरी हो गई, इतने गुलाम हो गए।
वो जो है वो इसके अंदर, ये अभी तक का तो सिर्फ ये था कि हम वायरस से अलर्ट होकर अपने आप को बचा सकते हैं। अब ये आया, इसके बारे में तफसील ये आई कि बच ही नहीं सकते, वो जिसमें चाहेंगे घुस जाएंगे। ये इसराइल की एक कंपनी है NSO, उसने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम, उसने बनाया, यानी उसने डेवलप किया, उसने ईजाद किया कि अब हर एक के मोबाइल के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं, उसको पता करने का भी तरीका नहीं कि मेरे मोबाइल में, पता चल जाए तो उसे साफ करने का कोई तरीका नहीं, और पता चलने का सिर्फ एक तरीका है बस। वो पता चलने का तरीका जो है वो ये कि फॉरेंसिक टेस्ट है, अभी बहुत ऊंचे लेवल की बात है, उसका फॉरेंसिक टेस्ट कराएं तो पता चल जाता कि इसमें है या इस पर अटैक हुआ था, इसमें अभी घुसा नहीं है। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पता चल जाए जिनको वो निकाल नहीं सकते। अब ये कंट्रोल में आते चले जा रहे हैं लोग। यहाँ पर अभी इंकशाफ हुआ, अभी चंद दिन पहले, मालूमत है तो 2016 से 2016 से दुनिया की कई हुकूमतें इस्तेमाल कर रही थी। ये जो कंपनी है सिर्फ हुकूमतों को बेचती है, आवाम को नहीं सेल करती, बहुत ऊंचे कॉस्ट के ऊपर ये प्रोग्राम। वो हुकूमतें अपने खालिफ ताकतों को नहीं, उनको भी जो उनके फेवर के लोग हैं कि ये कहीं साजिश तो नहीं कर लें, और दूसरे मुल्क के हेड ऑफ़ द स्टेट्स को भी, उसमें बड़े ऊंचे ऊंचे हेड ऑफ़ द स्टेट्स के भी नाम है कि किन किन के मोबाइल में वो था, बड़े मुल्कों के सदर और वज़ीर आज़मों के भी नाम है उसके अंदर, और यहाँ की एक बड़ी तादाद के नाम निकले हिंदुस्तान की। अभी उसमें आमतौर से जर्नलिस्ट हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, और सिर्फ वो इन्हीं के, अपोजिशन के पार्टी अपनों पे नज़र रखनी है तो वो पॉलिटिशियंस भी, और अभी तो इस तरह के हैं खाली उसके अंदर, या कुछ किसी तरह की तहरीक चलाने वाले एक्टिविस्ट जिनके बारे में अभी, जिनके मोबाइल टेस्ट कर करके, और कोई तरीका ही नहीं, मोबाइल टेस्ट करके सबके निकाला गया कि ये इनका इन्फेक्टेड था और इसमें वो प्रोग्राम आ चुका था। ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? अभी तक हमारी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे, उस पर बात भी नहीं करना चाहती हूँ। बात यह है कि इसे तो छोड़े, हमारी बात थोड़ी, पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया का केस है। अभी इत्तला यहाँ पर अभी मिली हिंदुस्तान में हमें, 2018 में सऊदी अरब ने जो है वो वहाँ पर तुर्की में जो उनके एक पुराने जर्नलिस्ट जो बागी हो गए थे खशोगी, उनके मोबाइल में डलवाया था कि उनकी सब नकलो हरकत इनको पता चल रही थी, और वो सोच भी नहीं सकते थे कि इसमें कोई वायरस है, कोई भी एंटीवायरस नहीं पकड़ सकता था उसे। तो ये तो इस्तेमाल पहले से हो रहा था कुछ मुल्कों का, अब शायद यहाँ पर भी हो सकता है, हुकूमत ने ले लिया हो, मालूम नहीं। तो एक फिक्र की बात है, कोई नहीं चाहता हमारी निगरानी हो, या कोई चाहता है कि हमारी हर बात पता चल जाए कि हमने सोशल मीडिया पे क्या देखा, किससे क्या बात की, सीक्रेट। बहुत चीज़ें होती हैं कि जो राजदारी की ऐसी होती है कि अपने घर वालों को लोग नहीं बताते, या नहीं बताना चाहते अपने दोस्तों को भी, वो सब मालूम होंगी, पहुंच जाएंगी, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो भी सब पहुँच जाएंगे। तो निगरानी तो अपनी कोई नहीं चाहता, निगरानी सिर्फ वो नहीं चाहता है जिसमें कुछ कमजोरी हो, जो बिल्कुल साफ हो उसको, हाँ खुली किताबें करो निगरानी जितनी देर चाहे करो, लेकिन ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसमें कुछ भी पर्सनल कमजोरियां ना हो, ऐसा कोई होता नहीं है, इसलिए कि निगरानी पसंद नहीं करते। ये तो रही एक बात, पसंद नहीं करते, लेकिन वो जो निगरानी कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो गाय दूध के धोए हैं, उनमें अगर वो कुछ लोगों को पकड़ रहे हैं, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो कुछ लोगों को इसके जरिए पकड़ रहे हैं और उनके ख्याल में वो जुर्म है, उनकी मुखालफत भी जुर्म है, उनके ख्याल में जुर्म है वो, अगर वो पकड़ रहे हैं दूसरों को उसके जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, तो अगर वो पकड़ रहे हैं उससे ज़्यादा भयानक मुजरिम तो वो खुद हैं पूरी दुनिया में। बड़े बड़े सदर, बड़े बड़े वज़ीर आज़म कुछ को छोड़कर सब हज़ारों के कातिल हैं, बाद उनमें से लाखों के कातिल हैं, कितना खून बहाया इन लोगों ने, तो ये तो खुद बहुत बड़े बड़े मुजरिम बैठे हुए हैं। ये तो निज़ाम ही गलत है, सिस्टम गलत है। जब दौर हक आएगा, जब सतयुग आएगा, तो निज़ाम सही होगा, एक पूरा रेवोल्यूशन आना चाहिए, लेकिन अभी तो निगरानी करने वाले खुद वो हैं जिनकी निगरानी होनी चाहिए, और उनका सर्वेलेंस होना चाहिए, और उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो फिर इसलिए और भी गलत है कि वाह वो कर रहे हैं निगरानी और हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आप अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते, छोड़ सकते भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दीजिए। अब क्या क्या करते हैं आप उससे, डेटा कलेक्ट करते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन खट से मोबाइल खोल के ले लेते हैं, कुछ प्रोग्राम जो है वो बना लेते हैं बातचीत के अलावा, उसको खट खट एडिट कर लेते हैं फ़ोटो खींच कर,
उसके ऊपर स्टोर कर देते हैं वहाँ, जैसे क्लाउड कहते हैं बादल, यानी वो आपके इसमें कोई स्पेस ही नहीं गिर रही, डेटा स्टोर होता चला जा रहा है, वो कर लेते हैं आप, कम्युनिकेशन है सेकेंडों में, हर एक से सब कुछ रबते हो गए, इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा छोड़ें, लेकिन नहीं छोड़ सकते, इसके मजबूर हो गए इसके साथ में। एक कंट्रोल आपने लिया, ये कंट्रोल आपने नेचर का भी लिया, ये कंट्रोल आपने कम्युनिकेशन का भी लिया आपसे, तो ये कंट्रोल आप नहीं छोड़ सकते। जब ये कंट्रोल आप नहीं छोड़ सकते तो आपका कंट्रोल दूसरों के पास जाएगा, हर हालत में जाएगा। ये करेंसी पे मैंने बहुत पहले खुतबा दिया था, चंद लोग हैं उंगलियों पे गिने हुए जो पूरी दुनिया पे कब्जा किए हुए माशियात पे, ये लोगों को पता नहीं है। अमरीका ज़्यादातर मुल्कों की इकोनॉमी को कब्जे में लिए हुए, जैसे चाहता है उठाता गिराता है, चलाता है डॉलर के थ्रू। अमरीका को कुछ और लोग चलाते हैं, अमरीकी हुकूमत कुछ, ये सदर नहीं, उसकी इकोनॉमी को कुछ और लोग कंट्रोल किए हैं ऊपर से, ये इस करेंसी के थ्रू जो करेंसी चल रही है पेपर करेंसी। इस पर मैंने एक बार खुतबा दिया था, इस वक्त मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। तो ऐसे कंट्रोल होता चला जा रहा है, इसके कितने खतरनाक नतायज होंगे। कुछ लोग हैं ये जो अमरीकी हुकूमत को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और आगे और कंट्रोल उनका हो जाएगा, उन हुकूमतों का, मुख्तलिफ हुकूमतों का, आपके ऊपर कंट्रोल, तो इन चंद लोगों के कंट्रोल में पूरी दुनिया होगी जो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब बड़ा भयानक सीनरी है, लेकिन ये तो अपनी जगह, हमारे कम से कम एक बात है सोचने की, इसका तो मैंने आपको बताया कुछ कर ही नहीं सकते, हो सकता है आगे कभी कोई तोड़ निकले, और ये भी हो सकता है कि अभी इससे ज़्यादा खतरनाक और दूसरे बहुत से बना लें। अभी एक नहीं बनाया ना, तो ये दोनों थोड़ी कि एक ही बना सकता है, जब एक टेक्नोलॉजी है एक ने इन्वेंट की तो दूसरे भी आगे बढ़ के कुछ और कर लेंगे, इससे कुछ और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड निकाल लेंगे। हमें पसंद नहीं है हमारी निगरानी हो, लेकिन आपकी निगरानी आपकी भी हो रही उनकी भी हो रही है। एक और सर्वेलेंस का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें कोई बचा ही नहीं, जिसकी निगरानी नहीं हो रही, जिसने उन लोगों को पैदा किया जो दूसरों के कंट्रोल कर रहे हैं, जिसने आपको पैदा किया उसकी निगरानी में सब है, कोई एक भी बचा हुआ नहीं। खाली बाहर की बातें नहीं है, जैसे सीसीटीवी कैमरे ने ले लिया किधर जा रहा था, वो ये नहीं ले सकता कैमरा इसके दिल में क्या था। उसने जिसने यहाँ पैदा किया उसने अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया सबके, वो प्रोग्राम आप अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते किसी कीमत पर। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने बता दिया है तुम्हारे अंदर इंस्टॉल, तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो भी पता चल जाएगा। अलीमुम बिदाति सुदूर, जो तुम्हारे सीनों के अंदर छुपा हुआ है वो भी सब आ जाएगा सामने, वो उसे सबको जानता है, ये भी उसने बता दिया। ये जो यहाँ पर अपने प्रोग्राम इंस्टॉल चुपके से कर रहे हैं और डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ये तो बताते नहीं, ये खुफिया तरीके से कर रहे हैं, उसने बता रखा है, चल रहा है सबका, उसकी फिक्र लोग नहीं करते। भाई इससे तो बड़े परेशान हो सकते हैं जब अभी आप तक नहीं पहुंचा हो, आपकी पोजीशन हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट कि अभी दुनिया के अहम लोगों को छोड़कर वो हमारे पीछे भी लग जाए, थोड़े दिनों में हो जाएगा सबके पीछे, कुछ और भी कंपनियां इन्वेंट कर लेंगी, अब आपकी कोई चीज़ सेफ नहीं होगी, कभी भी किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ये खतरनाक है सीन, वो खतरनाक नहीं है कि आपको बता दिया गया कि आप में इंस्टॉल है प्रोग्राम है, उसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, और इन्फॉर्मेशन दे दी गई, साफ साफ बता दिया गया तुम कर ही नहीं सकते अनइंस्टॉल। मैंने उसको कराया, मोबाइल को चेक कर फर्ज करिए कराया, मैंने फॉरेंसिक टेस्ट करा लिया, तो क्या होगा, फॉरेंसिक टेस्ट कराने से ये पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल में तो नहीं है, निकाल तो नहीं सकता, मैं मोबाइल को तोड़ दूंगा दूसरा ले लूंगा। यहाँ पर जो इंस्टॉल है उसकी पोजीशन ऐसी है कि ये पूरी जो डिवाइस है जो इंसान कहलाता है जिसके अंदर वो प्रोग्राम है, इसको तोड़ने का मतलब इसकी मौत, मरने के बाद रुकेगा, जिंदगी में तो नहीं रुकेगा। और मरने के बाद भी जैसे एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है ना, ढूंढते हैं कहीं क्रैश हो जाए तो बड़ी ढूंढाई चलती है, इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स था वो कहाँ गया, उसमें सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं आखिरी वक्त की, इसकी क्या क्या खराबी हुई थी इसके अंदर जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया। वो ऐसा बनाया गया है कि वो कितना बड़ा क्रैश हो जाए वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको बहुत ढूंढा जाता है फिर वो मिल जाता है, तो फिर वजह मालूम होती है कि केस क्या था, ब्लैक बॉक्स कहते हैं उसे। तो ये ब्लैक बॉक्स की तरह है कि इंसान के मरने के बाद भी इसके अंदर का जो ब्लैक बॉक्स है वो ख़त्म नहीं हो सकता। उसके बाद ये कहा कि वजदू मा अमिलू हाजिरा, अपने सारे अमाल को अपने सामने हाजिर पाओगे, तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे अमाल। ये पूरी फिल्म चलेगी, पहले लोग समझते थे किसी कागज़ पर लिखा जाता है
जबान ऐसी इस्तेमाल की गई थी जैसे कतबा किताब, तो लोग समझते थे कि कागज़ पर लिखा जा रहा है। ये किताब भी रिकॉर्ड को कहते हैं, चूंकि लिखकर चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। अब और आगे हम आगे हमें मालूम हो गया कि कुरान की इसायत का क्या मतलब है, तुम अपने अमाल को हाजिर पाओगे, ये तो जिंदगी प्लेबैक हो जाएगी पूरी। ये किया था तुम्हारे दिलों के अंदर, ये था किया, ये सब था, वो सब चल पड़ेगा। उसका ख्याल नहीं करते, उसका ख्याल रखना तो आसान है, कुछ रूल भी बता दिए गए कि कैसे, वो तो नहीं रुकेगा लेकिन कैसे तुम अच्छी बुक्स के अंदर पहुंच जाओ उससे, ये भी कह दिया गया उससे तुम्हारी ज़िंदगी को यहाँ फ़ायदा होगा। और वह एलैना तुरजाऊन, तुम सबको उसी के कानून को फिर अल्टीमेटली फेस करना है। वमई यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, इतना सा ज़रा सा भी सरसों के दाने के बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी किसी ने नेकी किए वो देख लेगा, खैरन यरा वो देख लेगा जो चल रही है फिल्म। वमई यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, इतनी सी भी बुराई की है ज़र्रे के बराबर वो भी देख लेगा क्या किया था। ये जो हमारी ज़बान में बोला है ना, अल्लाह हिसाब लेगा, फिर अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, अल्लाह जन्नत में ले जाएगा, अल्लाह कुछ नहीं करेगा, अल्लाह कोई अल्लाह ना नऊज़ बिल्ला किसी का कोई एम्प्लॉई थोड़ी है, जाके लोगों के जैसे और लोग काम करते वैसे काम कर रहा है, इसे पकड़ा जन्नत में भेजा जहन्नम में भेजा, अल्लाह का कानून करेगा सब कुछ। इससे को कह जाते अल्लाह करेगा कि अल्लाह का कानून सब, ये तो अपनी गलतियों के हिसाब से वो खुद उधर भेज दिए जाएंगे, कानून भेज देगा, इसे कहते हैं कि अल्लाह ने भेज दिया या अल्लाह ने डाल दिया, एक इस रास्ते पे भेज देगा। अब एक चीज़ और खाली, यहाँ कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, जन्म तो यहीं हो जाएगा, अब दुनिया के उन्हें तो छोड़ें जो कहते हैं कुछ होगा ही नहीं, ना खुदा है ना कोई हिसाब है, उसे तो जाने दें। जितने लोग इसको मानते हैं कि अब कर्मों का तो बदला मिलेगा, उसमें बस दो ही ग्रुप है दुनिया में, तीसरा कोई नहीं। एक ग्रुप कहता है, बहुत से लोग हैं वो कहता है मरने के बाद अपने कर्मों को भुगतने के लिए अच्छा या बुरा यहीं आ जाएंगे। एक दूसरा ग्रुप कहता है कि यहाँ नहीं आएंगे, ये तो टाइम तो सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, टाइम बैक ही नहीं होगा कि यहाँ वापस आ जाए, ये बढ़ते चले जाएंगे, आगे चलते चले जाएंगे हमेशा के जीवन के अंदर। अब जो जिस घर में पैदा हुआ वो कह रहा यही सच है, आपस में लड़ते हैं खूब, एक दूसरे को दलील दिए चले जा रहे हैं जो जिधर, ये खाली घर में पैदा होने से अब वो मानने लगे जो मेरे घर का है, कहते ये मेरे धर्म का है। भाई बात यह है कि अगर वापसी यहाँ इस दुनिया में होनी है तो आप चाहे जितना मानते रहो कि यहाँ वापस नहीं आएंगे, आपको भी आना पड़ जाएगा। और अगर यहाँ वापसी नहीं होनी है, सच्ची बात ये निकले कि हमेशा के लिए गए या अजाब में या अच्छे जीवन के, तो गए, यहाँ वापसी होगी नहीं, जन्म नहीं मिलेगा, चाहे जितना मानते रहो जन्म मिलेगा, होना तो एक ही चीज़ है, सबके साथ होनी है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ ईसाइयों के साथ एक तरह का सेट हो जाए और हिंदुओं और बौद्धों और उनके साथ में सिखों के साथ कोई दूसरा सेट बन जाए, सबके साथ एक ही जैसी बात हो। तो हमें अपने आगे के इंतज़ाम के लिए पता चलाना ज़रूरी होगा क्या ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किसके घर में पैदा हो गए थे, इसलिए कि हर एक का अपना मसला है नफ़े नुकसान का, तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि आगे क्या है, व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर अस इन फ्यूचर, हमें पता होना चाहिए। इसमें मैं कोई यहाँ पर उस डिबेट को तो रखूँगा नहीं, बड़ी बहसें चलती हैं, मैं यहाँ पर आपको एक तरफ की दलीलें रख के चला जाऊँ, वो अपनी कुछ दलीलें रखते कोई दूसरा को, लेकिन एक बात खाली रखना चाहता हूँ कि अगर हम नफ़ा नुकसान तो लें कि फ़ायदा क्या मानने में, सीधा सीधा सा क्या होगा इसे जाने दीजिए, आगे जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, अभी इस पर बहस ही नहीं कर रहे, फ़ायदा क्या मानने में है दोनों में से, सिंपल सी बात है। कोई अगर ये मानता है कि मेरा जन्म जो है वो यहाँ होगा, सबका यही होगा, वापस दोबारा अपने कर्मों का फल मिलेगा यही इसी दुनिया में, तो जब वो मानता है ऐसा तो बात ये है कि अगर अच्छे कर्म किए या बुरे किए, आप हमेशा की ज़िंदगी को मानते वो नहीं होगा, आपका भी जन्म हो जाएगा, तो क्या होगा उस जीवन में, अच्छे कर्म कर लेंगे भाई, बराबर का बदला है, यहाँ पर कुछ बुरा किया था अगले जन्म में कुछ बुरा हो जाएगा, अब ये तो सामने है अगला देखा नहीं, इस वक्त जो दिल चाहे कर लो, मेंटेलिटी ये बनती है। और अगर कहीं सच ये निकला कि वापसी नहीं होगी, तो जितने लोग भी ये मानते रहे कि वापसी नहीं होगी, वो सब एक बेसिक फेथ जा रहा है ना, बुनियादी अकीदा, वो सब हमेशा के नरक में चले जाएंगे और वापसी नहीं होगी, तो इसलिए ये मानना बहुत सेफ है, ज़्यादा सेफ ये है कि इस थ्योरी को मान लो, मैं तो दलीलों को सबको छोड़ रहा हूँ कि नहीं वापसी नहीं होगी, उससे कुछ अमाल सुधरेंगे, उससे तुम कुछ सुधरोगे, उससे
वरना ये कि ठीक है अगले जन्म में तकलीफें हो जाएंगी, देखा जाएगा, उतनी तो होंगी ना जितने हमने ऐश कर लिए, तो अभी ऐश ही कर ले, अभी तकलीफें क्यों उठाएं जब इतना ही उसके बदले बदला मिलेगा अगले जन्म में, तो हमें क्या जरूरत तकलीफ उठाएंगे। एक दूसरी बात है, और दूसरी बात जो है वो ये कि लोग कहते हैं मुझसे, या इसी शहर के अंदर हमारे संघ परिवार के दोस्त हैं, जब हमारे साथ के प्रोग्राम होते हैं उनके पास कोई वॉलंटियर नहीं होता, बहुत मशहूर है कि बड़े कार्यकर्ता हैं, वो खुद भी कहते हैं आता कभी नहीं कोई सामने, चार पांच बूढ़े से लोगों के अलावा कोई नहीं आता, हम जब मिलकर करते हैं तो सब हमारे होते हैं, वही काम करते हैं सारे जो हमारे कॉमन प्रोग्राम होते हैं। कई बार कहा भी भाई अपने हाँ हाँ आपके से लाएंगे, नहीं आते। अच्छा भाई कुछ लेडीज़ को लाना प्रोग्राम में, इसमें उनकी एक भी नहीं होती, सब हमारे हमारी लेडीज़ होती उस कॉमन प्रोग्राम में, तो क्या है उनकी बातें होती हैं आपस में, मुझसे भी कहा मोटिवेट कैसे होते हैं आपसे, भाई मैं तो पैसे तो नहीं मांगता, मैं कि जितने लोग वर्क के लिए काम कर रहे हैं पैसे दें, पैसे किसी से नहीं मांगते, अपने पैसे खुद खर्च करते हैं अपने ऊपर, कभी कभी बहुत करते हैं, टाइम भी खर्च कर रहे हैं अपने जॉब को छोड़कर और अपने पैसे भी खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक उम्मीद है, मोटिवेशन इससे होता है, इसका बदला मिलेगा, मैं तो नहीं दे सकता उतना, उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये मैं क्या दे दूँगा, एक उम्मीद है इसका, वो इतना इसलिए कि एक नेकी का 10 से लेकर 700 गुना और कोई लिमिट नहीं कितना बदला मिलेगा, बुराई का फल तो उतना ही मिलेगा, कुरान ने कहा नेकी के फल का कोई लिमिट नहीं, कम से कम 10 गुना कुरान ने कहा जो उसका बदला मिलेगा। ये मोटिवेशन है, हम अगर सच के ऊपर चले, अच्छाई के लिए चले, दूसरों की मदद की, कंपैशन का काम किया, या जितनी बातें रहमत की काम किए, या जितनी बातें दीन ने बताई हैं उसके हिसाब से अब हम चल रहे हैं, तो कहीं गया नहीं, बहुत बड़ा जो प्रॉफिट हमें यहाँ नहीं मिल सकता वो मिलेगा, ये एक मोटिवेशन है। यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं इनके पास, दिक्कत यह है हमारी 5-6 और नई तंजीमों से अभी रब्ते हुए लेटेस्ट करीब, उनके पास भी वॉलंटियर्स नहीं है, एक तंजीम उसके पास बहुत है लेकिन सब वो बूढ़े बूढ़े हो गए, युवक नहीं, नौजवान नहीं, यहाँ आप लोग यहाँ पर हैं, बहुत से आप में से हैं, और उसके अलावा बाहर बहुत है हमारे युवक साथ, और सबके मॉरल बहुत अच्छे हैं, अखलाक बहुत अच्छे हैं, कम से कम दूसरों से अच्छे हैं आम लोगों से, तो ये कैसे हो गया, और उनके यहाँ क्यों नहीं होता, क्यों नहीं कर पा रहे? अगर कहीं तरह से दे दी जाए शील्ड दे दी जाए कि नहीं नहीं हम बचा लेंगे, तो मार धाड़ पै जाते, ये मुसलमान भी आते होंगे आम मुसलमान, हमारे लोग नहीं आ सकते इस बात के ऊपर, तो क्या चीज़ है उनके पास मोटिवेशन के लिए? कुछ नहीं, या तो कोई लालच दे देंगे ये जॉब मिलेगा, कितनों को दे देंगे, हजारों को थोड़ी दे देंगे, लाखों को थोड़ी दे देंगे, दे रहे होते तो अब तक सबको दे नहीं दिए होते पूरी आबादी, तो पैसे दे देंगे, नहीं दे सकते सबको, पैसे दे के काम करने वाला कभी वफादार नहीं होता, जहाँ ज़्यादा मिलेंगे उधर बिक जाएगा जो पैसे लेकर करने वाला, तो बात यह कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है। अरे यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर जरा सा कष्ट उठा लो अगला जन्म तुम्हारा अच्छा होगा, अरे हम यही जन्म क्यों नहीं अच्छा कर लें अगला, देखा जाएगा, मोटिवेशन नहीं है, फायदा इसे मानने में, मैंने तो सिर्फ इसको कहा कि ये मानने में इससे बड़े एडवांटेज है, सही गलत उसकी तो अलग दलीलें हैं, ये सही गलत की दलीलें भी नहीं दी थी मैंने आप, उसकी तो अलग दलीलें हैं, उस पर कभी बात हो उन लोगों से की जाए, स्क्रिप्चर क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है, वेद क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, दूसरे स्क्रिप्चर क्या कहते हैं, इस पर कभी बात हो, लेकिन सेफ साइड जो है वो इसे मानने में वो अनसेफ है, और यहाँ दुनिया के अंदर भी लोग मोटिवेट नहीं होते, लोग आप अच्छे नहीं बना सकते इसके थ्रू, बाय नेचर कुछ लोग अच्छे हैं अंदर से होता है कि शरीफ होते, तो ये एक बड़ी अहम बात है, मैंने सर्वेलेंस की बात शुरू की थी, तो ये बात जहन के अंदर अपने रखें कि ये हज़रत लुक़मान ने कुरान में है नसीहत करते हुए अपने बेटे से कहा था, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिसक़ाला हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फी समावाति औ फी अर्ज़ याति बिहि अल्लाह, उसके राई क्या सरसों के दाने से भी छोटा कुछ होगा, कोई भी अमल तुम्हारा होगा अल्लाह उसे निकाल लाएगा और वो आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हारी सर्वेलेंस कंप्लीट है, वो तो एक खतरे की खबर है जो मैंने कहा वाकई खतरे की, कुछ सोचना चाहिए उसके लिए, लेकिन मुझे ही नहीं पूरे देश के लोग सोच रहे हैं, अपोजिशन के लोग सोच रहे हैं, दुनिया के और लोग सोच रहे हैं, ये सबको मिलकर सोचना चाहिए, और इसे नहीं सोचते कि तुम्हारी जिंदगी निगरानी में, और तुम्हारी जिंदगी निगरानी में तुम्हारे सोचे निकल आएंगे, ये तुम्हारी सोच तो नहीं निकाल सकता, जो इनका सॉफ्टवेयर है वो अंदर की सोचें निकाल लाएगा कि सोचा क्या था, और फिर बिल्कुल सच्चा सच्चा इंसाफ होगा, वला युज़लमूना फतीला, किसी के साथ जरा सी भी
ज्ञापति नहीं की जाएगी। इस सर्वेलेंस का ख्याल रखें, खुद तो आप रखें, मैंने तो याद दिलाया आपको जो आप जानते हैं उसे, लेकिन ये दूसरों को भी बताइए कि वो इस सर्वेलेंस का ख्याल रखें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा भयानक है। अगर इसके अंदर स्लिप हुए, इसके अंदर खराबियाँ हुई, इसमें गलतियाँ हुई, बहुत मार्जिन रखें माफ़ी के, रहमत के, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इसे बाहर हो जाएं और फिर नुकसान ही उठा जाएं। ये जब तक याद नहीं रखेंगे तो नुकसान पहुँचेगा, वरना हमेशा की ज़िंदगी कामयाबी की ओर अच्छी गुजरेगी। बारकल्ला।